पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय ठेकेदार हाय हाय ठेकेदार हाय हाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हम यहाँ लुदौट स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे बारिश होती है हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम दरिया नहीं चढ़ सकते, हमें पुल चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमें पुल चाहिए। जब हमारे पेपर होते हमें बहुत मुश्किल से ये दरिया क्रॉस करके पार जाना पड़ता है। अगर ये दरिया कितने टाइम से ये जो है पुल आज तक नहीं बना है? काफी टाइम से। तो आप बच्चे, जब आपको यहाँ पर दरिया क्रॉस करना पड़ता है, जब बारिश होती है, नदी बहती है, तो फिर आप क्या स्कूल जाते हैं या वापस घर चले जाते हैं? वापिस घर जाते हैं। तो अजर भाई हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि ये बच्चे। देखिए, आज हमारा दोठ में विजिट था, हमें यहाँ पे बुलाया गया था। देखिए, आज यहाँ पे 70 साल से जो ये ब्रिज का पेंडिंग वर्क है, रोड बनी हुई है, ब्रिज का पेंडिंग वर्क है, इसका काम भी, पैसा भी आ चुका है, कुछ भी अभी तक यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन LG से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काम का स्टार्ट काम को स्टार्ट करना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल से इसका टेंडर पड़ा होगा, इस ब्रिज का। देखिए, तो अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। इस तरह के जो ठेकेदार को, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, नया यहाँ पे ठेकेदार इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जल्द से जल्द ये काम शुरू करना चाहिए। बच्चों को आप देख रहे हैं, आज हमने विजिट किया यहाँ पे और बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे दरिया पे। एक नारा तो आप देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब झूठ है। दूसरी जगह आप ये बेटियों को, जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आप स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जब ये नदी क्रॉस करते हैं, दरिया जब पड़ते हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते। सब यहाँ पे जुमले हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जुमले इनके। इनका आज मुझे बताएं ना, बेटियाँ कितनी खज्जल हैं यहाँ पे। जो बच्ची कह रही है कि हमें जब दरिया आता है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं जी, ठीक है। वो दरिया, आप देखें, दरिया पे ना ही यहाँ पे पुल बना है, आज 70 साल हो गए। सब यहाँ के हाजिर, जो हमारे यहाँ इलाका के सभी हजरात इकट्ठे हुए, तो मैं इनके माध्यम से, इन्हीं की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुल का मसला है, ये बड़ा ही संजीदा मसला है, बड़ा गंभीर मसला है। वो क्यों कि इस पुल को बनते हुए 4 साल हो गए हैं। बड़े गौर की बात है, 4 साल हो गए हैं इस पुल को बनते हुए और 4 साल में अभी तक ये तैयार नहीं हुआ, इसका एक भी पाया सही से तैयार नहीं हुआ। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? पहली चीज़ तो ये है कि ये राजौरी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का नाम है लदौट। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये लदौट है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में राजौरी डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो आज मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी मोतबर एडमिनिस्ट्रेशन है। आज इस आवाम की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करेंगे, आज रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हर काम को सही से देखें, वो निगरानी करें हर काम की। अगर 4 साल में एक पुल नहीं बन रहा है, अब उसके नुकसान की बात देख लीजिए। सबसे पहली बात कि हर साल में यहाँ 2 से 3 लोग इस दरिया से जो है बह के, वो मौत के घाट जो है उनके, मतलब मर जाते हैं वो लोग, इस दरिया से बह जाते हैं। हर साल में कम से कम एक चांस होता है, एक ऐसा ना ऐसा जो हादसा होता ही है। अब यहाँ से पीछे तो पुल है ही कोई नहीं है, एक मुबारकबाद ये पेश करूँगा। दूसरा, यहाँ से कलाल कस में एक पुल है जो कि आदमियों का चलने का पुल है। तो बड़े शर्म की बात है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो पहली चीज़ तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक ये नुकसान है। दूसरा ये कि यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन तक, शायद उनके पास टाइम तो नहीं होगा ये छोटी वीडियो देखने का। यहाँ छोटे लोगों की, जहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है, उन लोगों की बातें सुनने का उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने भी सुन लिया तो मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का तकरीबन 5,000 के करीब यहाँ का पार का आदमी है, यहाँ के लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ाई से 4 महीने के लिए मरहूम रहते हैं। यहाँ दरिया आता है, ये नाला है, ये नाला इतना ज़रूरी है कि सबसे बड़ी मुबारक की बात यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि पढ़ाई से मरहूम रखा हुआ है लोगों को। यहाँ के 5,000 लोगों को, 5,000 बच्चों को उन्होंने पढ़ाई से मरहूम रखा, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि 4 महीने के लिए यहाँ दरिया होता है, कोई यहाँ इस नाले से गुजर नहीं सकता। कितना बड़े से बड़ा काम हो, यहाँ अगर मौत भी हो जाए तो यहाँ से गुजर के, अगर दरिया हो तो कैसे जाएगा, जो यहाँ बरसात के दिन होते हैं।
सुनने में ये भी आता है कि ये जो पुल का काम था ये 2018 में इसका टेंडर जो है वो डाला जाता है जो कि ठीक, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक इस पुल का काम जो है स्टार्ट नहीं किया जाता। और इस पुल के जो पावे बनाए जाते हैं उसमें भी वो जो है उसने 8 mm का सरिया डाला जाता है, जो कि एक मतलब ना इंसाफी वाली बात है जो कि लोगों के साथ। तो आप इस हवाले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही अर्ज़ करूंगा कि वही बात कि यहाँ की सबसे बड़ी बात जो कसूरवार एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जिसका फ़र्ज़ बनता है, हर एडमिनिस्ट्रेटर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने डिपार्टमेंट को सही से चलाए। मैं किसी का नाम लिए बिना यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हजरात आए हैं जो रोड का काम किया, लोगों से झूठे वादे किए, लोगों की ज़मीनें बर्बाद की, चाहे वो कोई भी हो, ये यहाँ 3 लोगों का रोल रहा है सबसे बड़ा। बड़े ठेकेदार जिसको उनके कार्ड जब्त होने चाहिए थे, जो इस तरह से लोगों की ज़मीनें जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिल सका है, लोगों को झूठ बोल के उन्होंने हम आपके खेत बनाएंगे, ऐसे करेंगे, हमें सड़क को ले जाने दो, तो यहाँ से पैसे निकाल के। और सड़कों के हालात देखिए, यहाँ ट्रैक्टर तक नहीं चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कुछ मुश्किल नहीं है। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज एंड वी बिलीव दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने खुद मुश्किल बना के रखा हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करते हैं। यहाँ की आवाम सड़कों में उतरेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगेगा कि लदौड़ की आवाम क्या है, यहाँ की आवाम की मुश्किलें। यहाँ मुक्कू एरिया पड़ता है, सोग बनी, वहाँ इतने दूर के एरियाज के जितने बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं, यहाँ इलाज से महरूम है। अगर कोई बीमार होता है तो यहाँ से दरिया को क्रॉस करके अपना इलाज तक नहीं करा सकता। कितने अंधेरे में डाला हुआ है, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को देखती? ये जो यहाँ का जो वो आदमी काम करता है, ये जो यहाँ का कंट्रैक्टर है, उसके लिए तो बहुत शर्म की बात है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ अपना कैमरा घुमाइए थोड़ा साइड में। क्या ये सरिया डाला जाता है? कहाँ है ये एडमिनिस्ट्रेशन? क्या इस सरिये से ये गाड़ियाँ निकालेंगे? ये कितना सरिया? यहाँ तो बाथरूम में नहीं डालते ऐसा सरिया। अरे खुदा का खौफ करो कुछ लोग, ये सरिया तो बाथरूम में भी नहीं डालते, हम गरीब लोग भी नहीं डालते जो तुम लोगों ने पुल में डाल के रखा हुआ है। कितना बड़ा जुल्म है ये। क्या इससे आप ख्वाब देखोगे? लंदन, पेरिस, बीजिंग का, मास्को का ख्वाब देख रहे हैं हम लोग? हम अपनी कंट्री को खुद गुलाम किए हुए हैं। क्या देखिए, जरा थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइए, कहाँ है सरिया? ये खुदा का वास्ता है, ये करिए, देखिए मोहतरम, देखो ये घुमाइए सरिया, कहाँ है ये? कैसा काम हो रहा है? यहाँ लिख के दे दिया, क्या है ये? क्या जरा थोड़ा सा कैमरे को आगे ले जाइए, क्या यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी? आप देखिए वो पार पुल बना हुआ, बड़ी मुबारक की बात है, हमें LG सब तक मुबारक दूंगा। देखो कितना बड़ा पुल बना हुआ है, यहाँ एक घर की जो दीवार होती है उससे भी कम जो है एरिया रखा हुआ। ये क्या तरीका है, ये किस किस्म का ये सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आती। क्या हम लोगों को आज 2022 में भी हम 47 से पहला दौर जी रहे हैं? मुझे लगता है जहाँ तक ये सारे हालात को देखकर मेरे जैसे, मैं अपने आप को चाहता हूँ मुझे शर्म से डूब जाना चाहिए। आपने इस तरह का ये सिस्टम चल रहा है मोहतरम, जरा उधर कैमरा घुमाइए, मैं अपनी बात पे आता हूँ। क्या यहाँ से गाड़ी जा सकती है कोई? एक खुदा का वास्ता है, अभी यहाँ से ट्रैक्टर नहीं जाते। अगर कहीं खेत को जोतना हो ना, खेत को अगर कुछ काम वहाँ मक्की वगैरह डालनी हो तो यहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। गाड़ियाँ एक मैं अपनी ये देती हूँ।